खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्जी गार्डन में। तो आज मैं लगाने वाली हूँ साग और इसके लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया है सोयल। और ये जो सोयल आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ नाम की ही मिट्टी है, बाकी इसमें राख है और थोड़ी सी कोकोपीट है और जो किचन के वेस्ट निकलते हैं वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इस सोयल को पहले मैंने एक बोरी में भर कर रख दिया था ताकि जितने भी सारे किचन वेस्ट हैं वो डिकम्पोज हो जाए और राख में अच्छी तरह से मिल जाए, मिट्टी भी इसके साथ मिल जाए और जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं जिसे गोइठा भी कहा जाता है, उसको भी मैंने इसमें शामिल किया था। और इस तरह से ये जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई है। मिट्टी को प्रिपेयर करने के बाद मैंने इसे एक गमले में रख दिया है और अब इसमें मैं लगाने वाली हूँ साग के बीज। और ये जो बीज हैं वो मुझे 10 रुपये में मिले थे, मैं लेकर आई थी, और ये लाल साग के बीज हैं और इसे मैंने इसी तरह से इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। और स्प्रिंकल करने के बाद अब मैं इसमें पानी दूंगी और पानी मैं किसी जग वगैरह से नहीं दूंगी बल्कि अपने हाथों से ही दे दूंगी ताकि इसके जो बीज है वो इधर उधर ना हो और एक जगह जमा ना हो। और बीज में पानी देने के बाद ये कुछ अच्छी तरह से भीग गया है और ये जो बीज है वो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाती है। और जर्मिनेट होने के बाद ये हमें कुछ ही दिनों में साग इसमें से हमें हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। तो ये लगभग 4 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है और इसमें से कई बीज जर्मिनेट हो गए हैं और अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। और ये जो साग है वो कुछ ही दिनों में हमें हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। कुछ भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेट्स सी कि वो कब जर्मिनेट होंगे। और ये है एक पौधा जो कि निकल आया है गमले में ही, मुझे नहीं पता ये कौन सा बीज का पौधा है। जब ये ग्रो करेगा तभी मैं समझ पाऊँगी और इसे अगर कोई अच्छा सा पौधा होगा तब मैं इसे ट्रांसप्लांट कर दूँगी दूसरे गमले में और नए पौधे बनाऊँगी। तो आज की थी ये वीडियो जिसमें मैंने साग को बीज को लगाया और ये 4 दिन की बात का रिज़ल्ट है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।